बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे, श्री राज श्यामा जी के चरणों में शतम। सुंदर साची, परम हंस महाराज श्री जोरदास महाराज जी की सेवा विधि अनुपम अति सुंदर है, जो आत्मा को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर रही है। श्री राज श्यामा जी के लक्ष्य शिख तक साक्षात्कार कराती है। इन सेवा विधि को हम एक चित होकर करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम श्री परम धाम में उन लीला का प्रत्यक्ष आनंद ले रहे हैं। इन सेवा विधि के द्वारा जो मन संसार में दसों दिश दौड़ता है, उन्हें हम एक चित कर सकते हैं। इन्हीं सेवा विधि के द्वारा पूज्य महाराज श्री जी ने साक्षात परम धाम और श्री राज श्यामा जी के दर्शन प्राप्त किए। प्यारे सुंदर साथ जी, वही सेवा विधि आपके सामने प्रस्तुत है। आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर से, सदगुरु महाराज श्री जी की प्रेरणा से, मुख्यतः उनकी पुस्तिका श्री परम धाम 25 वक्त चितवनी और अष्ट पहर सेवा विधि को आधार बनाएंगे, पर साथ साथ परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी के मनमोहन रसानंद सागर का भी लाभ लेंगे। तो आइए सुंदर साची, पढ़ते हैं प्रथम पहर की सेवा विधि की ओर। श्री परम धाम में शिवराजी महाराज श्री श्यामा जी और अपनी ब्रह्म अंगनाओं के संग अष्ट पहर 64 घड़ी किस प्रकार से किशोर और आनंद लीला करते हैं, उनका मनोरम वर्णन। श्री रंग महल की पांचवी भूमिका में अपनी सुरता को पहुंचाते हैं। नव चौक के मध्य चौक में, जहां 12,000 शयन के मंदिर सखियों के वास्ते और ठीक मध्य रंग पावाली मंदिर श्यामा जी का मंदिर। इन रंग पावाली मंदिर में शिवराजी महाराज अपनी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी के संग शयन कर रहे हैं और हम 12,000 सखियां 12,000 मंदिरों में अपने प्राण प्रियतम शिवराजी संग अलौकिक शयन की लीला का आनंद ले रहे हैं। अलौकिक आनंद शिवराजी के, वो अनंत सुख, उनकी नजरों से इश्क रस का निरंतर पान, उनकी मीठी छप, उनकी मुस्कान, शिवराजी महाराज सखियों संग अनंत रूप होकर 12,000 मंदिरों में उन अलौकिक शयन की लीला में मगन है। और रात्रि के उपरांत राजी महाराज अनंत स्वरूप से अद्वैत रूप होकर, अनंत स्वरूप से एक होकर रंग परवाली मंदिर में श्यामा जी के संग लीला विहार करते हैं।
प्रातःकाल 5:15 बजे जब हम सखियां अपने अपने मंदिर में उठी, तब सुख सीज्या पर शिराजी को न पाकर व्याकुल हो उठती है। सखियां अपने अपने मंदिर में वस्त्र आदि का श्रृंगार सज रंग परवाली मंदिर की ओर चलती हैं और उन समय उन सखियों के स्वरूप के दर्शन, एक-एक सखी आनंद में मस्त, पिया संग उन अखंड आनंद की मस्ती में उनके अंग अंग में उच्छ्रम उत्साह और पिया मिलन की बेताबी। और रंग पर वाली मंदिर में आकर उत्तर दिशा के दरवाजे के सामने आकर प्रणाम और उत्तर से पूर्व परिक्रमा लगाती है और उन समय आवो शिवाला का गायन आ गो जीवाला।
आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। और साथ साथ रंग परवाली मंदिर की ध्यान द्वारा परिक्रमा, ब्रह्म प्रियाएं रंग परवाली मंदिर की परिक्रमा कर रही हैं। कोमलता से चरण आगे धरते, उनके आभूषणों के गूंज और सखियां अपने अपने मंदिरों से आकर उन मिलावे में जुड़ती हुई, धाम की लाडली सखिया, धनी के प्रेम में भीगी भीगी परिक्रमा कर रही है। और रंग परवाली मंदिर की चारों दिशाओं में नूरी दर्पण रंग के किवाड़ आए हैं और उन्हें नूरी दर्पण के किवाड़ों से धनी की झलक पाकर उच्च रंग में एक दूजे को बुलाकर पिया के उन मनोहारी स्वरूप को दिखा रही है। युगल पिया की मनोहारी छव, अलौकिक शयन की मुद्रा, रंग परवाली मंदिर को घेर कर जो सुंदर नूर का चौक है, उन चौक में सखियां और हमारे प्राणों के आधार श्री राज श्यामा जी रंग परवाली मंदिर के भीतर हैं। आनंद में डूबे, आनंद के उन गहरे सागर में डूबे जो दुल्हा दुल्हन है श्री राज श्यामा जी है, उनको सखियां बाहर लाना चाहती हैं। उन रंग परवाली मंदिर की परिक्रमा करते हुए सखियां ऊंचे स्वर में पियो के गुणों का गान कर रही हैं। उन दर्पण रंग कमाड़ों से श्री राज श्यामा जी का दर्शन और एक दूजे को पकड़ पकड़ कर वो दर्शन करा रही हैं। उन धनी के दर्शन को पाके नृत्य कर रही है। मारा मन्ना मनोरथ पूरन कर जो श्री इंद्रावती लागे चरने, श्री इंद्रावती लागे चरने, अंतिम चौपाई दोहराते समय श्री रंग परवाली मंदिर के उत्तर दरवाजे पर जब दक्षिण मुख करके खड़े हुए, द्वार की तरफ मुख करके जब सखियां खड़ी हुई तो उत्तर दिशा का दरवाजा खुल जाता है और सखियां रंग परवाली मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, जहां श्री राज श्यामा जी नूर की सुख सिज्जा पर पौड़े हैं और युगल स्वरूप के नूरमयी चरणों में प्रणाम कर रही हैं।
सभी सुंदर साथ में दर्शन पाए। उनको सिजदा किया, सभी अंगों से जल स्पर्श किया, पूर्ण समर्पण धनी के चरणों में। तो कोई सखी युगल पिया की उन मनोहरी छब सुख सीजिया पर युगल पिया। कोई सखी पिया की सुख सीजिया की तरफ आगे बढ़ती है और धनी चरणों में घुटनों के बल बैठ युगल पिया के चरणों का अपलक दीदार कर रही है। उनकी चरण तले गहरी लाली माली, नखों का तेज युगल पिया की मनोहारी छब और अब सखियां उठापन की लीला की ओर अग्रसर हो रही है।